ना किसी के बाबू ना किसी के बच्चे हैं, हम सिंगल है जनाब और सिंगल ही अच्छे हैं। धीरे धीरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, यदि आप भी इस तरह का इंटरेस्ट वीडियो है वो बिल्कुल आसानी से क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ वीडियो आप एंड तक देखे रहे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बिल्कुल कितनी आसानी से आप यह वीडियो क्रिएट कर सकते हैं गाइज। तो यह जानने के लिए आप यह वीडियो एंड तक देखते रहे गाइज। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना गाइज आपको, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ। तो गाइज, यह वीडियो हम काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं, तो ये आपको इसके लिए काइनमास्टर इंस्टॉल करना होगा अपने फोन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। तो गाइज, सबसे पहले आपको इसके लिए अपना काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो प्लस वाला आइकन है उस पर टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करके आपको 16:9:16 रेशियो ऐड करना है। तो यह मैंने कर लिया है। यहाँ पर आपको जो क्रिएट वाला बटन नीचे दिखाई दे रहा है उस पर आपको टैप कर देना है गाइज। सिंपली आप उस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, अपना जिससे आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं वह वाला इमेज आपको ऐड कर लेना गाइज। और इसका ड्यूरेशन यहाँ से थोड़ा आगे कर देना है। तो यह मैंने ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दिया है गाइज। इसी तरह से आपको करना है बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद लेयर पर टैप करना है गाइज। यहाँ से मीडिया में जाना है आपको। जैसे आप मीडिया पर जाएंगे यहाँ से आपको जो लिरिक्स वीडियो हैं वो ऐड कर लेना है गाइज। तो यहाँ से मैंने ऐड कर लिया है गाइज। और जो ये लिरिक्स वाला जो लेयर है उसके बराबर में इसको क्रॉप कर लेना है जो आपका इमेज है। इसके बाद लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट करना है और नीचे चले जाना है आपको। नीचे जाने के बाद गाइज इस तरह से यहाँ पर ब्लेंडिंग पर टैप करना और यहाँ से गाइज आपको यहाँ से स्क्रीन कर देना है। एंड इतना करने के बाद गाइज इसको नीचे एडजस्ट कर देना है। जो लिरिक्स वीडियो है नीचे एडजस्ट कर दिया है मैंने। एंड इसके बाद गाइज आपको यहाँ से फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे आप लेयर पर टैप करेंगे आपको यहाँ से इफेक्ट पर टैप करना है और जो आपको लाइनर मास्क वाला जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसको आपको ऐड करना है। आपको ऐसे स्टोर से ऐड कर लेना है यदि आपके काइनमास्टर में नहीं है। तो यह मैंने ऐड कर लिया है और मैंने इसका साइज थोड़ा बढ़ा दिया है गाइज। तो इसी तरह से आपको यहाँ से नीचे सेट करना है ठीक है वहाँ पर जहाँ पे जो लिरिक्स वीडियो ऐड किया था हमने, और इसको बैक आना है और यहाँ से जो सेटिंग वाला आइकन है उस पर जाकर फीदर है उसको 70 कर देना आपको। तो यहाँ से मैंने फीदर बढ़ा दिया और यहाँ से मैं बैक आ चुका हूँ गाइज ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ गाइज। तो यहाँ से मैंने कर दिया है। इसके बाद गाइज इतना करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है जो लिरिक्स वाला लेयर है, और यहाँ से सेलेक्ट करके आपको 3 डॉट पर जाकर ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है इसको, जिससे कि ये आगे की आगे आ जाएगा इस लेयर से ऊपर। इतना करने के बाद गाइज आपको यहाँ की इतना देखना है कि जो फर्स्ट वाली जो लेयर लिरिक्स की लाइन है वो कहाँ पर एंड हो रही है, वहाँ पर आपको वीडियो को पीस करके वहाँ से स्प्लिट कर लेना है गाइज। इस तरह से यहाँ पर टैप कर देना है और यहाँ से इसको जो मेन वाली आपकी इमेज थी उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है। यहाँ से फिर नेक्स्ट थोड़ा आगे करना है हमको इसी तरह से। एंड इसके बाद गाइज आपको यहाँ से जो सेकेंड वाली लाइन कहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर आपको रोक देना है ठीक है। तो वहाँ पर रोक के इसको भी यहाँ से स्प्लिट कर देना है गाइज। तो ये मैंने कर दिया है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ से देखना है कि थर्ड वाली लाइन कहाँ पर एंड हो रही है वहाँ से भी आपको स्प्लिट कर देना है। सो गाइज इतना करने के बाद गाइज आपको जो फर्स्ट वाला जो आपका इमेज का टुकड़ा है उसको फर्स्ट वाली लेयर फर्स्ट में उसको सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ से देखो मैंने किया है इसी तरह से। एंड यहाँ पर गाइज फर्स्ट वाले को छोड़ देना है और यहाँ से आपको सेकेंड वाला सेलेक्ट करना है। तो गाइज सेकंड वाले को सेलेक्ट करके फिल्टर में जाना है और यहाँ से आपको जो बेसिक वाला फिल्टर है उसमें सेकंड नंबर वाला आपको ऐड कर देना है। एंड इसके बाद गाइज आपको जो थर्ड वाला है उसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको फिर से फिल्टर में जाना है और यहाँ से बेसिक में यहाँ नीचे जाकर गाइज आपको यहाँ वाला जो फिल्टर है वो ऐड कर इसके इसको ऐड कर दिया है मैंने। और यहाँ से आप दूसरा चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला है उसको सेलेक्ट करना है आपको। इसको सेलेक्ट करके 3 डॉट्स पर आपको यहाँ से टैप करना है गाइज। इसका डुप्लीकेट लेना है हमें, तो इसको डुप्लीकेट लेने के लिए 3 डॉट्स पर टैप करेंगे सेलेक्ट करके, और यहाँ से आपको डुप्लीकेट एज लेयर कर देना है। डुप्लीकेट एज लेयर पर टैप कर दिया और इसका जो लेयर आया है उसको सेलेक्ट कर लेना गाइज। इसको सेलेक्ट करके गाइज हमें नीचे जाना है और यहाँ से जो फिल्टर वाला ऑप्शन है उस पर जाना है गाइज हमें। तो फिल्टर पर टैप करके बेसिक में जाना और यहाँ पर नीचे चले जाना आपको, और यहाँ वाला जो येलो कलर वाला है इसको ऐड कर लेना है जो फिल्टर है। इसको ऐड करके गाइज आपको स्प्लिट स्क्रीन में जाकर इसको फुल स्क्रीन कर देना है गाइज। तो फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक करने के बाद इसका जो इन एनिमेशन वो आपको फेड कर देना है और यहाँ से बैक आना है, और जो इसका ओवरऑल एनिमेशन है वो नीचे जाकर फ्लिक
फ्लिकर है वो अलग कर देना है, नंबर थर्ड वाला। तो ये मैंने कर दिया गाइज, आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से तैयार हो रहा है। और इसके बाद गाइज आपको जो प्लस वाला बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर टैप करना है, और यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो फ्रेंग ये वर्ल वाला है ये वाला ऐड करना है, इस पर टैप करना है और इसको फर्स्ट वाला ऐड कर देना है, और सेकंड वाला प्लस को टैप करके आपको नंबर थर्ड वाला ऐड करना है। एंड गाइज जो लास्ट बचा हुआ है प्लस वाला आइकन है उस पर टैप करना है, इस पर टैप के बाद आपको फिर से उसी में जाना है और नंबर फोर वाला आपको ऐड कर देना है। तो हमने ऐड कर दिया है आप देख सकते हैं। और गाइज यहाँ पर हम देख एक बात है कि यहाँ पर जो ये ऐड करने के बाद इसका जो साइज़ है वो कम हो गया है, इसको आपको एडजस्ट करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से देखना है कि पहली लाइन कहाँ पर एंड हो रही है, तो यहाँ पर एंड हो रही है, वो यहाँ पर रोक के आपको फर्स्ट वाला जो टुकड़ा है पीस है उसको यहाँ पर थोड़ा आगे करना है लेयर वाले का, वो यहाँ तक कर देना है इसका ड्यूरेशन जहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन एंड हो रही है। सो गाइज इतना करने के बाद आपको जो बाकी जो इसका लेयर है वो वाले भी आपको लाइन एंड हो रही है वहाँ तक इनका ड्यूरेशन कर देना है, जिससे कि अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाएगा वीडियो के शुरू में ऐड किया था। और ये जो डुप्लीकेट लेयर लिया था हमने उसको भी यहाँ पर बिल्कुल उसके जस्ट नीचे सेट कर देना है आपको। तो गाइज ये हमने कर दिया है गाइज। इतना करने के बाद गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर जो लेयर वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको टैप करना है, लेयर पर टैप करके गाइज आपको मीडिया में जाना है और यहाँ से गाइज आपको जो फ्रेम है वो वाला ऐड करना है। फ्रेम ऐड करने के बाद गाइज इससे क्या होगा कि चारों तरफ आपके स्टेटस के बॉर्डर बन जाएगा वाइट कलर का। इसको यहाँ पर कॉर्नर में एडजस्ट किया है मैंने और यहाँ से मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया है इस तरह से खींचकर। तो यहाँ से मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है गाइज। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नीचे जाने पर ब्लेंडिंग पर जाकर स्क्रीन कर देना है इसको, और इसको वीडियो को लास्ट तक कर देना गाइज। तो ये मैंने लास्ट तक कर दिया है। एंड इतना करने के बाद फिर से लेयर पर टैप करना और टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पर मैंने क्या टाइप किया है, यहाँ पर मैंने एटीट्यूड टाइप किया है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया और ओके पर टैप कर दिया। इसके बाद गाइज आपको यहाँ से फॉन्ट ऐड कर लेना है, जो भी आपका मनपसंद फॉन्ट हो जैसा भी आप ऐड करना चाहते हैं। सो गाइज आपको फॉन्ट ऐड करने के बाद गाइज यहाँ से इसको थोड़ा सा और यहाँ से ऊपर मैंने एडजस्ट कर दिया है, आप जहाँ पर भी जगह हो आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया इसका, और कलर चेंज करने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से जो इसका ग्लो है वो मैंने ऐड कर दिया है। ग्लो ऐड करने के बाद गाइज इसमें ब्लू कलर ऐड किया है मैंने, और यहाँ से मैं बैक आ चुका हूँ। इसके बाद गाइज इसका शैडो इनेबल करना है और यहाँ से आपको ब्लू कलर ऐड कर लेना है। मैंने यहाँ पर ब्लू ऐड किया है, आप चाहें तो और कोई सा भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं बैक आ चुका हूँ, और इतना करने के बाद गाइज मैं बैक आ चुका हूँ। इसके बाद वो ओपेसिटी में जाकर इसका ओपेसिटी आपको कम कर देना है 70 के आसपास, जो टेक्स्ट के हमने टाइप किया है एटीट्यूड वाला। तो यहाँ पर मैंने कर दिया गाइज। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका है पूरी तरह से, जैसा आपको दिखाया गया था बिल्कुल वैसा ही क्रिएट हो चुका है आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में टाइप करके इस वीडियो को सेव कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।